आज जो है सो ये बॉयज टाउन स्कूल में फोर्थ क्लास स्टैंडर्ड में सोशल स्टडीज बुक में जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के जो फोटो बुल के डाले वो अपने मुसलमान भाइयों को ठेस पहुंचाने का है। आज तक कहीं पिक्चर है ना पोर्ट्रेट है ना कुछ भी नहीं है। वो जो गलती करे वो लोग अमिगोस इंटरनेशनल बुक्स लोगों पे और ये स्कूल मैनेजमेंट दोनों पे भी क्राइम नंबर 129/23 ये काला पत्थर पुलिस स्टेशन में आज तक कुछ भी नहीं है, इसलिए अपने मुसलमान भाइयों को ठेस पहुंचा। उसके लिए वो लोगों का कंप्लेंट पे एक केस रजिस्टर करा क्राइम नंबर 129/2023 अंडर सेक्शन 153A 295 504 एंड 120 BIPC FIR इश्यू करे और स्कूल प्रिंसिपल को भी अरेस्ट करे, स्कूल मैनेजमेंट को और जो प्रिंट करे अमिगोस इंटरनेशनल वो लोगों को अक्यूज़र बनाया गया सबको भी अरेस्ट करेंगे। उनको DCP ऑफिस में इंटरागेशन चल रहा, इंटरागेशन करने के बाद उनको कोर्ट को हैंड ओवर कर देते। ये हमारा कानून के दायरे में जो भी पुलिस कर सकता वो करे, वो हमारा फर्ज है, वो हम कर रहे हैं। अभी हम लोग इन्वेस्टिगेट चला रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आप लोगों को एक ही बात क्या है बोलता, हम भरोसा दिला रहे हैं, हम उन लोगों को छोड़ने का नहीं है। हम लोग ना छोड़ना नहीं छोड़ते, आप लोगों से गुजारिश है आप लोग चले जाइए, हम लोग का कार्रवाई करने दीजिए। जरा का लख फोर्थ क्लास के सेकेंड सेमेस्टर की बुक में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छवि उतारी गई है और उसके खिलाफ मुझे एक्शन लेने के लिए हुक्म दिया गया। तो हम फौरी तौर पर फलकनुमा के PS में रुजू हुए और वहाँ पर हमारे रवि कुमार साहब ने वहाँ पर हमें तहकुन दिया कि सबसे सख्त इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और हमें वहाँ पर यह खबर मिली कि 5 दिन पहले इसकी इत्तला मौसूल हो गई थी। अब हमारा डिमांड यह है कि अगर 5 दिन पहले इसकी इत्तला मौसूल हो गई थी तो फौरी कार्रवाई की जाती और ये सारे बुक्स हमारे तलबा के पास स्टूडेंट के पास से कलेक्ट कर लिए जाते और एक्शन लिया जाता तो आज ये नौबत नहीं आती। आज हुआ ये कि ये वीडियो और ये फोटो वगैरह जो है सोशल मीडिया पर वायरल होने की वजह से हमारे सारे यहाँ नौजवान मोहब्बत हजरात जो नबी पाक अलैहि सलातो सलाम से अकीदत रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, क्योंकि ये मामला ऐसा है हमारे ईमान का मामला है। हम नबी पाक अलैहि सलातो सलाम के बारे में ज़रा बराबर भी की कोई गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये जो छवि उतारी गई है हमारे इस्लाम के अंदर ना नबी पाक अलैहि सलातो सलाम की फ़ोटो का कॉन्सेप्ट है ना इमेजिनेशन का कॉन्सेप्ट है। ये गलत काम हुआ है, इस पर हमने यहाँ पर भी हमारे श्रीनिवास साहब जो हमारे कहने पर जुबली हिल से तशरीफ लाए, उन्होंने अभी हमको तयक्कुन दिया है कि कुछ ही देर में FIR बुक होगी और साथियों को गिरफ्तार किया जाएगा। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि सख्त से सख्त इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और जितने ये बुक्स हैं उन तमाम बुक्स को कलेक्ट किया जाए और ये बुक जो छपी हुई है उसको कैंसिल किया जाए। और हैदराबाद में हो या पहले इसका अमिगोस जो पब्लिशर है अमिगोस वो USA का है और इसकी ब्रांच वैजाग में है, तो कहाँ से छपी है ये विशाखापट्टनम में उसे सारे पब्लिशर की डिटेल दी जाए, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुई है वहाँ से इसको रिटर्न किया जाए और इस बुक को कैंसिल किया जाए। हमारा यही मुतालबा है। आगे की बात हमारे हाँ मैं दूसरी बात ये कहता हूँ हमारे आवाम से कि वो अमन को बरकरार रखे और काबू में रहकर लीगल जो हमारा तरीका है उससे हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और जज्बात को भड़काने की कोशिश ना करें। जितना हो सकता है पुलिस हमारा साथ दे रही है, कोऑपरेट कर रही है और हम दूसरे हजरात जो इसको व्हाट्सएप वगैरह पर शेयर कर रहे हैं उनसे भी मुतालबा करेंगे कि ये एक नाकाबिल मजम्मत है कि हम इसको और उसको फैला रहे हैं जो उन लोगों ने जुर्म किया है। हम उनसे ये कहेंगे कि इसको फैलाना बंद करें, अपने पास से फौरी तौर पर डिलीट कर दे। हमने उसकी कॉपी SHO साहब को फलकनुमा में भी दी, यहाँ काला पत्थर में भी दी। इंशाल्लाह हुआ तो हम CP साहब के पास भी कल जाएंगे, उसका लेटर देंगे, DCP साहब को भी देंगे और सख्त से सख्त इन तमाम के खिलाफ कार्रवाई करने का हम मुतालबा करेंगे। ना सिर्फ ये बॉस्टन बल्कि हैदराबाद और तेलंगाना में जहाँ जहाँ ये बुक पहुँच रही है हुकूमत की ये अहम तरीन जिम्मेदारी है कि हुकूमत इस पर नज़र रखे। दूसरी चीज़ों पर हुकूमत की बड़ी नज़र है, हर चीज़ पर कहाँ पर क्या हो रहा है हर जगह नज़र है, लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए जून में ये बुक पब्लिश हुई और कितने स्कूलों में गई होगी, आप अंदाज़ा लगाइए। सिर्फ एक बॉस्टन का मसला है, ऐसे कई स्कूल है जहाँ पर ये बुक गई है। हुकूमत फौरन एक्शन ले और तमाम जगहों से फौरन ये बुक वापस करे और इस पर पाबंदी आयद करे और जितने लोग इसमें शामिल है इंक्लूडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ स्कूल्स जितने शामिल है ये सब को सब इन पर क्रिमिनल एक्ट के तहत केस रजिस्टर करे और फौरन और
फास्ट ट्रैक की तरह काम करें। ऐसा ना हो कि सिर्फ और सिर्फ जिस तरह इससे पहले जैसे केसों में गुस्ताखाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिस तरह कार्रवाई को बरफदान की नज़र डाला गया, ऐसा होगा तो हालात काबू से बाहर होंगे। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है और पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो शहर में अमन को बरकरार रखे। कल भी ऐसा ही एक वाकया हुआ कुलसुमपुरा पीएस के पास, टप्पा चबूतरा पीएस के पास, आज भी ऐसा हो रहा है। तो कुछ शरपसंद अनासिर जो गए शहर का माहौल ख़राब करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारी दरख्वास्त है सीपी साहब से, जो बहुत ज़्यादा इस पर नज़र रखे हुए हैं, वो फौरी एक्शन ले, इमीडिएटली कार्रवाई करे और फौरी अथॉरिटी के साथ उन्हें गिरफ्तार करें। हमारा ये मुतालबा है।